हेलो फ्रेंड, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मिस्टर जी कुमार। इस बार मानता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया, पर क्या करूँ मित्रों, परिस्थिति एक समान नहीं होती। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगा। आज हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत आसान है। लोगों को लगता है कि ये चैप्टर जैसा कोई नहीं, मतलब, और लेकिन गलती कर देते। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान ले लेता हूँ मैं, और उस इंसान के क्या करता हूँ, दोनों कान को काट लेता हूँ। कान है ही नहीं उसको, तो बताओ कैसा लगेगा देखने में। और यदि दो आदमी के बीच में जाएगा तो कितना भद्दा लगेगा। दोस्तों, मैं बहुत ही लोगों से मिल चुका हूँ, सुन चुका हूँ, वो आर्टिकल की इतनी ज़्यादा मिस्टेक करती है, इतने ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, और उनको उस समय टोका भी नहीं जा सकता। अरे तुमने इतनी गलती की, अरे तुमने ये की, और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आर्टिकल दोस्तों है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल क्या है। मैं एकदम बिगिनिंग से बता रहा हूँ, एकदम जीरो पॉइंट से। आप कॉन्शसली देखो, आपको फायदा होगा। आर्टिकल मतलब क्या? तो एक सिंपल सा इसका उदाहरण है, इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल। आर्टिकल मतलब ए, एन और द। ये तीन फॉर्म का सम्मिलित रूप है ना, एक दूसरे को मिलाना ही आर्टिकल कहलाता है। जैसे कोई पूछ सकता है, द मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ आर्टिकल? द आर्टिकल मीन्स ए एन द, इन तीनों की जो यूज करेंगे वो आर्टिकल होगा। अभी ये ए और एन है क्या और द क्या है, इसके बारे में अब जानेंगे। तो आर्टिकल एक और बातें हैं। आर्टिकल हमारे सुनने की शक्ति पर डिपेंड करता है कि हमने क्या सुना, और यदि हम नहीं ठीक से सुन पा रहे हैं तो हमारा आर्टिकल कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं पहले ए का देखता हूँ और एन का, है ना। अब ए बी सी डी हम पढ़ते हैं, को बोलोगे कि साहब आप तो अभी ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, हम अभी बच्चे थोड़ी नहीं कि हमको ए बी सी डी पढ़ा रहे हो। फिर भी देख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। तो दोस्तों, इसमें ए ई आई ओ और यू जो है, इसे कहते हैं वॉवेल। वॉवेल आपने नीचे वाले क्लास में पढ़े होंगे। वॉवेल जब भी आए उसको हम उसके आगे एन लगाते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने क्या किया है कि एस एनिमल लिख दिया है ना, ए एन आई एम ए एल एनिमल। तो दोस्तों, इसके आगे वाले जो डिजिट हैं, या आगे वाले अल्फ़ाबेट हैं, सॉरी डिजिट बोले, अल्फ़ाबेट जो हैं, ये अल्फ़ाबेट वॉवेल हैं, और वॉवेल से पहले हमारा एन का यूज होता है। ये तथ्य जो है, हम लोग बचपन क्लास में ही सही लग रहा था। अब आगे और एक चीज़ बताता हूँ, बाकी जो भी अल्फ़ाबेट बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है ना, वो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले हम ए यूज़ करते हैं, हमेशा ये याद रखिए। वॉवेल से पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट का देता हूँ, दिस इज डैश बुक, या बॉक्स ले लेते हैं। तो बॉक्स का जो पहला वाला ये अल्फाबेट है, ये पहला वाला जो है, ये कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट जब आया तो सर जी आपने ही बताया, कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ ए का यूज होगा। अंडरस्टैंड दैट? अब थोड़ी सी गहनता वाली चीज़ों पे चलती, अब गहन बातों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। बात यह है कि यदि कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है यूज करते करते, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑनेस्ट, ये शब्द जो है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो ये उच्चारण पे है, जैसे मान लो आप क्या इसका उच्चारण करोगे, एच है, तो सर आप तो बताए थे एच जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, देन इससे पहले जो हम ए का यूज होगा, पर ये गलत है। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का ओ से शुरू होता है, ओ हिंदी प्रोनाउंसिएशन आपको लिख लेना है ना, ऑनेस्ट से पहले ओ होता है। अब ओ को हम ओ का जो अ है ये ए से शुरू होता है, और ए जो हमारा है ये वॉवेल है,
और यदि ये भॉवेल है तो भॉवेल से पहले हम आपको बता चुके हैं कि एन का यूज करते हैं आप। डिड यू अंडरस्टैंड? अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अभी मैंने एम ए लिखा, तो एम ए के बारे में जैसे यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन, तो ऑब्वियसली है कि सर आप इस बार तो मैं श्योर हूँ। क्या श्योर हूँ? कि ये जो ई जो है, ई मतलब कि ई ने आपने कहा कि ये भॉवेल है, तो भॉवेल है, ठीक है सर मैंने इसको ए लिखा, फिर मैं यहाँ काट दूंगा, सॉरी एन लिखवा, फिर मैं यहाँ काट दूंगा। क्यों काट दूंगा? क्योंकि अभी आपको इसका प्रोनंसिएशन हिंदी में लिख के देखना है एक बार, है ना? तो य यू 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 का जो पहला वाला है य, य का इंग्लिश वाई होता है, एम राइट? और ये जो वाई जो है, ये वाई ये एक्चुअल में कॉन्सोनेंट है, और मैंने बताया जब कॉन्सोनेंट आया तो ए यूज होगा। इट मीन्स कि आप एन यूरोपियन के जगह ए यूरोपियन लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। मतलब कि आप हर एक अल्फाबेट को लिखने से पहले उसका हिंदी नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डॉक्टर लिखना है, डी ओ सी टी ओ आर ई एस, डॉक्टर्स, तो डॉक्टर का ये जो डी है इसको पहले लिख लेंगे, तो डी, ओ हाँ यार ये तो डी है, डी का इंग्लिश डी होता है ऑब्वियसली, चलो कोई नहीं। तो वैसे ही अभी हमको हर एक चीज़ का इंग्लिश लिख के देखना है कि क्या इंग्लिश एक्चुअल में मेन रहती है या नहीं। अब एक सबसे बड़ी बात है, एस या ई एस, जो दोस्तों एक्चुअल ए और एन का यूज एक को दर्शाने के लिए होता है, ओनली वन, ये वन है, ये वन को इंडिकेट करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं हमेशा। तो ऑब्वियसली है यदि ई ए सॉरी ए एन टी एंट है, एंट एक है, यदि एक इंडिकेट हो रहा है, ये एक है, तो एक से पहले हम कभी भी जो है ए या फिर एन का यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू अपने ब्रेन के अनुसार, है ना, अपना ब्रेन लगा अकॉर्डिंग टू योर माइंड। एंड यदि हम उसी के जगह एंट्स कर दिए तो ऑब्वियसली कि एक चीटी तो है नहीं, जब एक चीटी है नहीं तो उसमें एक चीटी वाला रूल लगेगा नहीं, जब एक चीटी वाला रूल नहीं लगेगा तो इसमें हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, है कि नहीं? चलो ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, वो एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था दोस्तों कि कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, वो एग्जाम्पल क्या है इसमें से जैसे आपको ध्यान से देखनी होगी, जैसे एस डी ओ, एस डी ओ ये एब्रीविएशन वर्ड है, एब्रीविएशन वर्ड वो होते हैं जो संक्षिप्त रूप होते हैं, उसके आगे कुछ ना कुछ मतलब निकलते हैं, वो क्या मतलब निकलते हैं वो देखते हैं। एस, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आपको एस का क्या होता है, एश, एस में ये जो है ये ए है या ई है, ऑब्वियसली ए या ई आएगा, तो ये दोनों ही दोनों कोई भी एक आ सकता है, ऑब्वियसली ई ही आएगा, तो ये जो ए या ई, ए मानते हैं हम लोग, ए को शेयर करते हैं, तो ए है, तो ए क्या है हमारा, भॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, बोलो भॉवेल है कॉन्सोनेंट है, तो सर आप मुझे तो लगता है ये कॉन्सोनेंट, ओके डन, तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले एन का यूज होगा। अब यदि मैंने एस यू एन लिख दिया या एस ओ एन लिख दिया तो यहाँ पे वो नियम नहीं लगेंगे, यहाँ श, श ही लिखाएगा और श का इंग्लिश एस ही होता है। आशा करते हैं ए और एन आप समझ चुके हैं, यदि कोई इस संबंध में प्रॉब्लम होती है याद रखिएगा कि ए और एन जो है इंडिकेट करता है एक को, सिंगुलर को, ये एक से अधिक को इंडिकेट नहीं करता, और यदि ये कोई करते हो आप लोग तो गलत करते हो, ये ओनली वन को शो करता है कि ए और एन जो है केवल एक को और मात्र एक को करता है, इसमें गलती नहीं करना दोस्तों। बोलते समय, लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने ए यूज हो रहा है या एन हो रहा है, विशेष रूप से, क्योंकि बहुत ये मैंने एकदम कॉमनली बताया है, इसके आगे की वीडियो में मैं बहुत सारी इसके बारे में ट्रिक्स बताऊंगा। आपको लाइक करना हो या नहीं करना हो, सब्सक्राइब करना हो या नहीं करना हो, पर दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या और पढ़ना है। अब हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिसको द कहते हैं हम लोग, कुछ लोग द कुछ लोग दी, ये हमारे अल्फाबेट पे डिपेंड करते हैं कि भॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। ओके दोस्तों, दोस्तों मैं एक इसके बारे में ट्रिक बताने वाला हूँ, ये द का यूज ना बहुत ही रेयरली लोग सीख पाते हैं, बहुत सारी ट्यूशन में, बहुत सारी कोचिंग में जाओगे तो आपको द का यूज में इतने इतने फॉर्मूले लिखा देंगे, इतने लंबे लंबे इंस्टीट्यूट लिखा देंगे आपको, तो दिमाग नहीं, अरे बाप रे करे तो करे क्या,
है ना, क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या करें नहीं करें, हमारी लोड ये होती है, हमको यहाँ तक का स्टेरेज पे बिठा दिया जाता है। तो ऑब्वियस है दोस्तों, हम तो गिरने वाले हैं। जिनको नियम याद करना है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, जिसको एक बार में समझ में नहीं आती, उनके लिए मैं कुछ नियम बताता हूँ दोस्तों। पहला नियम ये है कि द का यूज जो है हम कोई भी जाति के लिए करेंगे, कोई भी जाति। जैसे अब सिंगुलर कौन, जैसे काओ है, काओ भी एक जाति है, गाय एक प्रकार की जाति होती है, उसमें हजारों प्रजाति होती है, जैसे जर्सी है, उसके बाद देसी विदेशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा, तो यहाँ द का यूज होगा। जैसे हॉर्स, हॉर्स जो है ये एक जाति है, इसमें भी बहुत सारी उपजातियां होती है। इसके बाद दोस्तों मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में केवल और केवल केवल और केवल एक ही है, एक ही है, सिंगल पीस, तो उसके आगे आप दो लगा दो। फॉर अब सर ये तो गलत बात है, ये आप क्या शॉर्टकट बता रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, व्हाट रबीस, कुछ भी बता रहे हैं आप। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जरा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ जाओ, जरा मैं पूछ रहा हूँ, आप खाली बताते जाना। हाँ ओके, बताओगे ना, ठीक है, मुझे आप पे उम्मीद है। अच्छा ये बताओ आप कि हिस्टेरियल जो प्लेस होता है, हिस्टोरिकल प्लेस, वो दुनिया में कितने होते हैं? ऐसा है कि ताजमहल यहाँ भी है और ताजमहल अमेरिका में भी है? नहीं ना, पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है, तो आप उसके आगे द यूज कर सकते हो। अच्छा महात्मा गांधी कितने हैं? हाँ बोलो बोलो, कितने हैं दुनिया में? एक है कि बहुत है? एक ही है ना, तो दो महात्मा गांधी। अच्छा मैं हिमालयाज बताता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप गलत बता रहे, तो बताओ हिमालयाज जो है, जो हिमालय जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो दुनिया में कितने हैं? ये जो हिमालय का जो ये चोटी होती है, जो नेपाल से लेके बिहार और जम्मू कश्मीर तक जाती है, दुनिया में कितने सारे हैं? तो साहब एक हैं, तो एक हैं तो एक ही रहने दो। गंगा रिवर कितने हैं बोल दो, आप ही बोलो, गंगा रिवर कितने हैं, इंडस रिवर कितने हैं? तो ये सबके आगे दो लगेगा, मतलब एटलीस्ट की जो दुनिया में एक ही है और वो फेमस है। अब आपका नाम है, आप क्या किए, अपने नाम के आगे राम लिख दिए और राम के आगे अरे द लगा दिए, तो ये कुछ नहीं होता। द राम का मतलब होता है कि महाभारत और रामायण की जैसे जो पवित्र श्लोक है, उसमें जो राम भगवान का वर्णन किया गया है वो है आप, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। ये छोटी सी कोशिश थी आप तक, आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंकिंग, और मैं हमेशा आप सभी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरी मेरे द्वारा जो भी खामियाँ होती है मुझे कृपया बताते रहें, और प्लीज़ और प्लीज़ 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 हमसे जुड़ें। मैं आगे वादा करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो।